गाइस वेलकम बैक टू आवर व्लॉग सिटी वैभव। आज हम जा रहे हैं ब्रह्मस्थली मंदिर में दर्शन करने, जो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये बहुत ही ऊंचाई में बसा है। अब हम रेडी हो चुके हैं। ये है मेरा भाई वैभव। हाय राधे राधे। और ये है मेरी नानी। नेचुरल ब्यूटी कितनी सुंदर जगह है। और वो जो आपको गांव दिख रहा है आगे, वो मेरा गांव कोटाबाग है। देखिए देखिए, अब हम पहुंच चुके हैं मंगोली। ये नीचे मंगोली का गांव है, जो है तो छोटा लेकिन काफी खूबसूरत है और घने जंगल के बीच में भी है। अभी हम यहाँ पे थोड़ा रुके हैं। देखिए यहाँ की नेचुरल ब्यूटी। ओम त्रियंबकम्य जामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मित्योरमुत्सीतात्। देखिए खच्चरों का, ये खच्चर सामान ढोने के काम आते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं खुदपा ताल में। देखिए यहाँ की नेचुरल ब्यूटी। देखिए यहाँ काफी पीसफुल है। Thank you.
खूबसूरत सी जगह है ये। सरिया ताल के पास ये पहाड़ी कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, वाओ। और देखिए यहाँ की ब्यूटी, पानी ठंडो। अब हम बारह पत्थर पहुंचने वाले हैं। ये देखिए बारह पत्थर की पहाड़िया, ये नीचे है हिमालयन बॉटनिकल गार्डन HBG। हम पहुंच चुके हैं नैनीताल और अब हम बढ़ रहे हैं अंगूठ की तरफ। ये देखिए ये है सूखा ताल। अभी हम हैं टांकी मैंड में। क्रिसमस और 31st की वजह से यहाँ काफी भीड़ है। हमारे नाना जी लोग और हमारा भैया यहाँ मिलने आए हैं। हिमालय दर्शन स्थल आपका हार्दिक स्वागत करता है। अब हम पहुंच चुके हैं हिमालय दर्शन स्थल पर। देखिए यहाँ कितना रस है। देखिए हिमालय कितना क्लीन दिख रहा है। चुके हैं नैना देवी जलकुंड में। यहाँ पे एक क्रॉन्च पक्षी का जोड़ा बना है। देखिए इस नदी को तमसा नदी का रूप दिया गया है। इसमें वाल्मीकि जी निषाद को श्राप दे रहे हैं क्योंकि उसने नर पक्षी का वध किया है। जो आपको वो बोर्ड दिख रहा है उसमें विश्व का पहला श्लोक लिखा गया है जो मेरा भाई वैभव आपको सुनाएगा। मानिषाद प्रतिष्ठां तव गमः शाश्वतीतः यत् क्रोध च मिथुनादेकं अवधिनादेवकम्। पहुंच चुके हैं पंगूर में। देखिए यहाँ की हरी भरी वादियाँ। पंगूर एक छोटा तो गांव है लेकिन ये जन्नत से कम नहीं। देखो कितना मजा आ रहा है। तो अब हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए रुके हुए हैं। देखिए पहुंच चुके हैं घुघु खान। यहाँ से कोटावाग की डिस्टेंस 56 किलोमीटर है। कोटावाग में हमारा गांव पड़ता है। यहाँ से ब्रह्मस्थली मंदिर 8 किलोमीटर है। देखिए गाइस ये है घुघु खान का एरिया। यहाँ बहुत सारे रिजॉर्ट और होटल है जो काफी सुंदर सी जगह है। ये देखकर तो मेरा दिल बाग बाग हो गया। ये रास्ता ब्रह्मस्थली को जाता है। ब्रह्मस्थली यहाँ से करीब 8 किलोमीटर है जिसमें 5 किलोमीटर मोटर मार्ग है और 3 किलोमीटर पैदल ट्रैक है। अब मैं आपको ब्रह्मस्थली मंदिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। अगर आपको ब्रह्मस्थली मंदिर देखना है तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो को वॉच कर सकते हैं।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना ना भूले। धन्यवाद।